यहाँ से विदेशी महिला सैलानियों को डर लगता है। क्या यहाँ के शहर और यहाँ का माहौल विदेशी महिलाओं को महफूज नहीं रख सकता? महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली और देश में चिंता जताई जाती है, लेकिन विदेशी महिलाओं के कुछ आंकड़े तो सरकार को डराने के लिए काफी हैं। देखिए कैसे विदेशी महिलाएं भारत आने से बच रही हैं। सैलानियों का पसंदीदा मुल्क भारत, साल दर साल बढ़ती विदेशी सैलानियों की तादाद, टूरिज्म में खुलते नित नए संभावनाओं के दरवाजे, लेकिन इन सब के बीच आंकड़ों की एक तस्वीर ने सबको डरा दिया है। आंकड़े कहते हैं कि भारत आने वाले विदेशी सैलानी तो बढ़े हैं, लेकिन उनमें महिलाओं की तादाद तेजी से घट रही है। तो क्या विदेशी महिलाओं को भारत आते हुए यहाँ घूमते हुए डर लगता है? 2012 में 66,50,000 विदेशी सैलानी आए, इनमें 58.7% पुरुष और 41.3% महिलाएं थीं। अगले साल यानी 2013 में 68,50,000 सैलानी भारत आए, इनमें 58.8% पुरुष थे, लेकिन महिलाओं का आंकड़ा घटकर 41.2% रह गया। 2014 में भी हालात नहीं सुधरे। भारत में विदेशी सैलानी तो 74,60,000 आए, लेकिन इनमें महज 41% महिलाएं थी। पर्यटन मंत्रालय फिर भी दावा कर रहा है कि विदेशी महिला सैलानियों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एक बुकलेट भी उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे हम लोगों ने एक एडवाइजरी टाइप जारी करी है, जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर पर विदेशी टूरिस्ट आता है उनको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें हम उसमें लिखते हैं कि आपका भारत भूमि पर स्वागत है, फिर उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि ये करें ये ना करें, उससे कुछ सलाह है। साथ में हमने एक इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आते हैं नेशनल डोमेस्टिक के सभी के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करी है 1363। 2012 का निर्भया कांड हो या फिर विदेशी सैलानियों के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं, इन सभी ने दिल्ली और देश की इमेज पर असर डाला है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि महिला अपराध में भारत काफी नीचे भले ही हो, कई जगहों पर सुरक्षा को लेकर काफी कुछ करने की जरूरत है। देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है साइनेज, एयरपोर्ट पे साइनेज होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एरोज होने चाहिए और मेट्रो की कनेक्टिविटी जो है बट लोगों को पता नहीं लगता। सेकंड इज एयरपोर्ट पे फिर भी थोड़ा कंट्रोल है बट रेलवे स्टेशंस के ऊपर टाउट्स बड़े घूमते हैं एंड दे फॉल प्रे। थर्डली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वी नीड अ वेरी गुड पीआर कंपनी जो कि नेगेटिव पब्लिसिटी को पॉजिटिव करे, बिकॉज दिस क्राइम इज़ देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड बट हमारे यहाँ ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती है। साफ है कि कहीं तो हम चूक रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार को समझना होगा कि जब तक देश के किसी भी शहर में बेधड़क घूमने फिरने का माहौल नहीं बनेगा, तब तक विदेशी महिला सैनिक की तादाद बढ़ने से रही। सरकार ये बात जितनी जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर होगा कि अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ बयानबाजी करने, नारेबाजी करने या कागजी कार्रवाई करने से बात नहीं बनने वाली है। कुछ अहम कदम उठाने ही पड़ेंगे, कुछ ठोस नियम बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का असर देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखने लगा है। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ अनुजैन रोहतगी, दिल्ली आज तक। विदेशी महिलाओं का डर देश की राजधानी के लिए सबसे ज्यादा है। यहाँ महिलाओं से बढ़ते छेड़छाड़ के मामलों ने हालात और भी खराब कर दिए हैं।